दमोह शहर के सागर नाका पर 46 करोड़ की लागत से निर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल ओवरब्रिज पिछले एक साल से अंधेरे में डूबा हुआ है। उद्घाटन के समय से ही राजनीति के शिकार इस ओवरब्रिज के उद्घाटन के अवसर पर पहले रेल मंत्री को आना था, लेकिन उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री और स्थानीय सांसद के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पाने की वजह से आनन फानन में इस ओवरब्रिज का उद्घाटन करा दिया गया था। वहीं उद्घाटन के कुछ समय बाद से ही यहाँ की स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हुई है। एक साल से अधिक का समय हो चुका है यहाँ स्ट्रीट लाइट बंद हुए। कांग्रेस के लोग पिछले एक माह में 2 से अधिक बार आंदोलन यहाँ आकर कर चुके हैं, मसाल जला चुके हैं, मोमबत्ती जला चुके हैं, प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराने के लिए ज्ञापन भी दे चुके हैं और प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने इस ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया है। इधर शहर के विभिन्न स्थलों पर विभिन्न महापुरुषों की मूर्ति स्थापना के संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध नजर आ रहे स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल की पहल पर जन भागीदारी से 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जयंती के पावन अवसर पर मूर्ति स्थापना हेतु भूमि पूजन का कार्यक्रम इस ओवरब्रिज के नजदीक ही किया गया है। इसके बावजूद यहाँ पर एक दिन पहले तक यानी पूर्व रात्रि में छाया हुआ अंधेरा यह बता रहा है कि यहाँ के हालात से शायद केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल को पूरी तरह से अनभिज्ञ रखा गया है। उनको शायद उनके साथ में रहने वाले खास हम खास लोगों और सिपाहसालों ने यह भी नहीं बताया होगा कि एक साल से यह ब्रिज अंधेरे में डूबा हुआ है। ग्राम पंचायत और नगर पालिका के बीच का चक्कर उलझा हुआ है, ज्ञापनों का दौर चल चुका है। शायद यही वजह है कि श्री पटेल उपरोक्त हालात से अनभिज्ञ रहते मूर्ति को जन भागीदारी से स्थापित कराने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ छाए अंधेरे से वो अनभिज्ञ बने हुए हैं। समूह के समाज के लोगों ने और सभी लोगों ने, हम सब ने मिलकर सर्व समाज के लोगों ने बैठकर तय किया है। मेरी मान्यता प्रारंभ से है कि जब भी हम किसी महापुरुष की प्रतिमा लगाएं तो वो सरकारी पैसे से नहीं लगनी चाहिए। जमीन सरकारी हो सकती है, लगने के बाद रखरखाव सरकारी हो सकता है, और इसलिए हम लोगों ने बैठकर तय किया। जिला पंचायत अध्यक्ष जी, मैंने और हमारे तमाम सहयोगी जो हैं, लगभग 100 से आसपास लोग उस राशि को इकट्ठा करेंगे और प्रतिमा लाएंगे और उसको लगाएंगे। स्थान आवंटित किया गया है, बाकी उसकी जो बाकी बची हुई जो उसकी परमिशंस हैं, अनुमतियाँ हैं, वो जिला कलेक्टर उस पर लगातार काम करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि जो 31 दिसंबर 2021 होगा उस समय हम सब उस दिव्य और भव्य सरदार पटेल जी की प्रतिमा को देखेंगे, शायद यही हम लोगों के लिए बेहतर होगा।